ओके स्टूडेंट, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करें, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। एंड अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो मेटाबॉलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन की बात करें, जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन एडिशन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज सेल वॉल। तो बट यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। अब इसके हम फंक्शंस की बात करें, कॉम्पोजिशन इसके लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर की बनती है। इसके फंक्शन की हम बात करते हैं, फंक्शन ऑब्वियसली जब ये आउटर मोस्ट लेयर है तो सेल के कॉम्पोनेंट को, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट को ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सेपरेट करता है। तो फर्स्ट थिंग, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल, कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम आउटर मोस्ट एनवायरमेंट। और इसकी वजह से सेल का एक पर्टिकुलर शेप भी होगा, नो डाउट। अगर एनिमल सेल की बात करें तो जो शेप होती है हमेशा फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, बट स्टिल देयर इज अ शेप जो चेंज होती रहेगी, प्रोवाइड अ शेप टू द सेल। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज सेमी परमेबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से गार्ड का काम करता है, ये डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर किस चीज को आने देना है, किस चीज को नहीं आने देना है। तो इट इज सेमी परमेबल इन नेचर, सेमी परमेबल। और इस तरह से सेमी परमेबल होने से कुछ चीजों की एंट्री को, पैथोजन्स वगैरह की एंट्री को सेल के अंदर रेस्ट्रिक्ट करता है। एंड देन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू काफी सारी चीजों की ट्रांसपोर्ट की जाती है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास जो है सेल के अंदर जितने तरह की ट्रांसपोर्ट होती है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इट मे बी पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स वेयर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इट टेक्स प्लेस along with the concentration gradient, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होती है, एंड ऑब्वियसली वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड देन अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एज द नेम सजेस्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी, यहां पर एनर्जी की एक्सपेंसेस की जाएगी और एनर्जी यूज करके चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। And this is against the concentration gradient. ये concentration gradient के against में किया जाता है, मतलब lower to higher concentration यहां पर चीजों की flow होगी तो obviously यहां पर energy यूज की जाएगी। और इसको फिर से हम दो part में divide कर सकते हैं, that is facilitated transport, अमीनो एसिड ग्लूकोज इन सब चीजों को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज बल्क ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी में जैसे फूड वगैरह को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट। और बल्क ट्रांसपोर्ट को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्जोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर कुछ चीजों को अंदर लिया जा रहा है
दैट इज एंडोसाइटोसिस, और अगर सेल से बाहर कुछ चीजों को निकाला जा रहा है दैट इज एंडोसाइटोसिस। तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज बल्क ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो फर्स्ट वी टेक डिफ्यूजन। Diffusion means movement of substances from a region of higher concentration to the region of lower concentration. ज्यादा से कम की तरफ flow होना, that is diffusion. तो we can simply write movement of substances, movement of substances from a region of its higher concentration, its higher concentration to lower concentration. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, this is amoeba and this is its cell membrane. The outermost layer, and this is its cell membrane. Amoeba is an aquatic organism found in the fresh stagnant water. Fresh water, stagnant water में survive करता है। अब इसको respiration करनी है, तो respiration के लिए इसके पास जो कि body है only one cell, and one cell is capable of doing all the life activities, all the life processes. तो cell membrane के through ही, cell surface के through, or you can say through the body surface, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो व्हाट हैपन आउटसाइड, बाहर के एनवायरमेंट में, बाहर एक्वेटिक एनवायरमेंट है, एक्वेटिक एनवायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है। नाउ व्हाट हैपन, बाहर जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, दिस इज O2। तो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो हो जाएगी, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के बाहर आ गया, इसको यूज करके रेस्पिरेशन की गई, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड CO2 इज प्रोड्यूस। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज हाई इनसाइड द सेल एज कंपेयर टू द आउटसाइड वाटर, देन व्हाट हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। तो दिस इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू यहां पे गैसेस एक्सचेंज हो गई। तो डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम ले सकते हैं, यानी अब ये क्या है, थ्रू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होना, मतलब अकॉर्डिंग टू अलॉन्ग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड विदाउट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस मतलब एनर्जी यहां पे एक्सचेंज नहीं की जा रही विदाउट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो दिस इज डिफ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। In case of osmosis also, movement of substances takes place from a region of higher concentration to lower concentration. But osmosis is a special type of diffusion where a semi-permeable membrane is required. यहाँ पे diffusion के लिए semi-permeable membrane required हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे semi-permeable membrane के थ्रू होती है, and this is mainly the movement of solvent, liquid particle की movement होती है। तो then the next is osmosis, next osmosis, osmosis we can define osmosis again movement of solvent particle, solvent particles from the region of its
हायर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो यू कैन से इट इज एंड इज इट ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस क्योंकि यहां भी जो मूवमेंट हो रही है दैट इज अलॉन्ग विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ यहां पर मूवमेंट हो रही है ज्यादा से कम की तरफ फ्लो किया जा रहा है. तो ऑस्मोसिस को एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एक एग्जाम्पल के थ्रू इमेजिन This is a water tank. हमारे पास एक ये वॉटर टैंक है और इस वॉटर टैंक में एक हमारे पास वेसल है पिस्टन की. And this vessel has, इस vessel के अंदर sugar solution है. Sugar solution है और इसको हमने यहां पे एक मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है. एक मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है. ओके दिस इज अ मेम्ब्रेन. आप इसको इमेजिन कीजिए जैसे एक हमने काफी पहले एक मतलब पतले कपड़े से या सेलोफेन मेम्ब्रेन से हमने इसको कवर किया हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंड, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन. इस शुगर सॉल्यूशन को मैं ग्रीन कलर से लिखा हूं. दिस इज शुगर सॉल्यूशन. वाटर नहीं है. दिस इज शुगर सॉल्यूशन. ओके नाउ सिचुएशन क्या है. दिस इज वाटर. जो यहां जो है ये हमारे पास दिस इज वाटर. वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी इसमें सॉल्यूट नहीं है. हाइपोटोनिक सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम हुई. सॉल्यूट नेग्लिजिबल हो दैट इज ओनली सॉल्वेंट. एंड हियर व्हाट, हियर अलोंग विद वाटर देयर इज शुगर, शुगर पार्टिकल. तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको है शुगर सॉल्यूशन. तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, माइंड इट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम डिफाइन कैसे करेंगे. सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट जो डिजॉल्व कर जाए, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन. बट टेक्निकल डेफिनेशन इज दैट सॉल्यूट which is less in quantity and solvent which is more in quantity. We take one glass of water and we are dissolving some sugar. Imagine 5 to 10 gram of sugar in it. Then what is? Sugar has less quantity. Sugar is solute and water is solvent. तो जिसकी quantity कम हो that is solute. तो इसमें solute क्या है? Solute जिसमें sugar के particles हैं, solvent water. तो as compared to this solution नीचे जो है वॉटर, दिस इज ओनली वॉटर, ओनली सॉल्वेंट. यहां पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है. देन व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे सुगर इसमें एंटर करना शुरू करेगा. आप देखेंगे कि सुगर यहां पे एंटर करना और आपको क्या अब्सॉर्ब होगा, जो इसमें जो लिक्विड का लेवल है ऊपर आ सकेगा. क्यों, जिसमें केवल सुगर सॉल्यूशन था, अब इसमें बीच बीच में आपको जो वाटर के जो नीचे के जो पार्टिकल है, अब ये वाटर के पार्टिकल्स यहां पे आ गए. जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, दीज आर वाटर पार्टिकल्स विच आर गोइंग इनसाइड. एंड इन दिस वे क्या होगा, इसमें लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. किसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, सॉल्वेंट की. ठीक है, अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो अपोजिट हो जाएगा. तो सॉल्वेंट के पार्टिकल की मूवमेंट होती है कहां से कहां तक, जिधर ज्यादा सॉल्वेंट होता है ज्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होती है. अब इसके अकॉर्डिंगली सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है,
सॉल्यूशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास वी हैव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. ये हम कंपेयर करते हैं. इमेजिन कीजिए वी हैव अ विसल और इस विसल के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में एक हमने सेल, एक सेल है यहां पे, कोई भी सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कुछ भी ले सकते हैं. नाउ हम दोनों को कंपेयर करते हैं. इफ सॉल्यूशन हैज मोर लिक्विड एज कंपेयर टू द सेल, सेल के कंपेरिजन में जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. सेल के कंपेरिजन में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन में ज्यादा है, देन इट इज, हम इसके साथ एक हम कंपेयर कर रहे हैं किसके कम कम, हाइपो मीन्स लेस, लेस व्हाट, सॉल्यूट लेस, तो सॉल्यूट लेस हो जाएगा तो सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, तो हाइपो हाइपर मोर एंड आइसो सेम. तो अगर मान लो कि इसके और इसके अंदर दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें तो बाहर जो है वो सॉल्वेंट ज्यादा है, अंदर सॉल्वेंट कम है, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू द सेल. तो हाइपोटोनिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इसमें, सॉल्वेंट मोर एंड सॉल्यूट लेस, किसके कंपेरिजन में, एज कंपेयर टू सेल. नाउ इन केस ऑफ हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में क्या है, सॉल्वेंट लेस एंड सॉल्यूट मोर एज कंपेयर टू दिस सेल, जिस सेल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. एंड इन केस ऑफ आइसोटोनिक बोथ आर सेम, मतलब सेल के कंपेरिजन में जो सॉल्यूशन हमने लिया है दोनों में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सेम कॉन्सेंट्रेशन. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब अलग अलग सॉल्यूशन में हम जब सेल को रखते हैं, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, तो उनपे अलग अलग इंपैक्ट आता है. तो क्या इंपैक्ट आता है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.